बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। ये नहीं हमारे हुक्मरान, हमारा हुक्मरान वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल की किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा। और यह इमाम हुसैन की तहरीर से मैं पढ़ूंगा कि उन्होंने जो खत लिखा, तुम कहते पता ही नहीं चलता इमाम हुसैन का क्या मकसद, ये यूसुफ लिखता है। अब पता तो तब चले जो आप आपके खुतबे और आपके खत पढ़े, जब आपने पढ़ना ही नहीं तो आपको पता क्या चल रहा। इमाम ने अपने खतों में लिखा कि लोगों एक ही उसूली बात है, ना मैं अपने नाना की गद्दी चाहता हूं ना तख्त की जरूरत है। इमाम मुसलमानों का सरबरा सिर्फ हो सकता है जो अल्लाह की किताब पर अमल करे, रसूलल्लाह की सुन्नत को जारी करे और उसकी अपनी जिंदगी भी खुदा रसूल की मर्जी के मुताबिक हो। मल इमाम सिवाय इसके कोई इमाम नहीं। और झगड़ा तो यह था, ना शराब का था ना जरा, वो देर रात शराब पीता, ये इतनी कोई बुराई नहीं, लोगों में ऐप भी होते हैं। बदमाशी यह थी कि मुसलमान देखते रह गए और तलवार के जोर से एक शख्स को बैठा दिया। और जिस गरीब ने यह कहा कि यह क्या हो रहा है, मस्जिद नबी में पढ़ूंगा सही बुखारी से कि अंजाम क्या हुआ, हम अमीर मुआविया के घर ने कहा पकड़ लो इसको। और वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी, उसका नाम ही नहीं अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला ने, भाग कर अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर में घुस गए, फिर बचे। और फिर भी उस मलऊन ने वहां कहा कि यही है जिसके बारे में कुरान ने सूरह काफ उतरी है, अल्लाह ने लानत किया इस पर। तो अम्मा बोली, फिर उसने कहा बकवास करता तू, झूठा तू, हमारे बारे में अबू बकर के खानदान के सिर्फ वो आयतें उतरी हैं जिनमें मेरी बरीयत का ऐलान है और कोई आयत नहीं उतरी। तेरे बाप पर अल्लाह के रसूल ने लानत की थी जब तू उसकी पुश्त में था, इसलिए उस लानत का असर तुझ में दिया। ये अम्मा के खुतबे और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के खुतबे, किस तरह मरवान के सामने उसने कहा कि ये कौन सी हुकूमत है जो तुम काम कर रहे हो, हिरकलिया व कैसरिया, ये काफिर बादशाहों वाला रवाज है तुम देना चाहे, बेचारे को वहां गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। और फिर वो मदीना शरीफ नहीं रह सका, मक्का भाग गया गरीब हुसैन तो भुगतता रहा ना रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मक्के चला गया और मक्के नहीं रहना नसीब हुआ, पहाड़ों में छुप गया अमीर मुआविया के दौर में हुफी 10 मील दूर मक्का, और वहीं सो गया और अचानक मर गया। तो हजरत आयशा रज़ी को हाकिम लिखते हैं, देर तक ये शुबा रहा कि ये मरा नहीं, इस तरह लोग मरते नहीं, ये मारा गया, इन लोगों ने इसको जबरदस्ती मारा, वरना अब्दुर्रहमान की मौत का कोई सवाल था कि वो पहाड़ों में सोया मर गया। वहां से उनकी लाश फिर मक्का लाई गई, वहां दफन किया गया, हजरत आयशा उमरा पर गई तो वहां कब्र पर गई, वहां शेर भी पड़े, सब कुछ मौजूद। यानी जुल्म की इंतहा के मस्जिद नबी का एहतराम, अम्मा आयशा के सामने झूठ बोल रहा गवर्नर कि तुम्हारे बारे खानदान के बारे में भी आई, उन्होंने फिर साफ सुना दिया कि तेरे बाप पर हजूर ने लानत की हकम पर, और तू उस वक्त उसकी पुश्त पर था, वही लानत तुम में चली आ रही। और हजूर की ये हदीसें, ये मुल्ला कहते हैं देवबंदी अल हदीस से गलत हैं, मैं सही हदीसों से साबित करूंगा और सिलसिलातुल हदीस से यह मैं सारी इकट्ठी कर दी है संदों के साथ के वाकई हजूर ने मरवान और उसके बेटों पर लानत की। अब कहते हैं नहीं सारी औलाद, सारी औलाद की बात नहीं, बेटे बेटे जो थे अब्दुल मलिक अब्दुल सारे बुरे थे, पोता अगर नेक निकला उमर बिन अब्दुल अजीज वो रख बात। आप हदीसों की तरफ अल्लाह के लिए आए, ये कहानियां जो छापते हैं ना रसाले छोड़ दें कि हर मुल्ला और मौलवी खड़ा हो जाता, नहीं हुसैन को कूफियों ने बुलाया चला गया, फिर मिन्नत समाज करता रहा, जान छुड़ाता रहा, लानत है झूठ बोलने वालों पर। नहीं, जो उठा था वो एक ही बात, अजमे ऊंचू को हसारा उस्तवार। हुसैन जब उठ खड़ा हुआ था ना सोच समझ कर 20 साल अमीर मुआविया के देखकर, और उस वक्त ही अपने साथियों को बता दिया था कि मेरा एक एक दिन जो इसकी हुकूमत में गुजर रहा है मुझे कोई समझ नहीं आती कि मैं खुदा के सामने क्या उजर पेश करूंगा, जिहाद तो अब भी फर्ज हो चुका मगर मेरे भाई ने चूंकि वादा कर लिया था मैं निभाऊंगा, अगर बाद में इन्होंने बदमाशी की तो उठ खड़ा हो।